Hello everyone, this is Nilesh. Welcome to Mavericks. So I think बहुत गैप के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं. सो थैंक्स फॉर द सपोर्ट्स. बहुत सारे कॉमेंट्स, बहुत सारे व्यूज के बाद आई थिंक हम इस सीरीज को कम्प्लीट करेंगे. ओके, सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड द लैंग्वेजेस. सो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, देन कन्वर्जन है NFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो किस टाइप में किया जाता है, तो वो सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन. सो रेगुलर एक्सप्रेशन की ये ऑफिशियल डेफिनेशन, सो रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर द अल्फाबेट इज डिफाइन एज, सो थीटा इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द एम्प्टी लैंग्वेज, देन एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर होता है तो कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एप्सिलॉन लिखना है, अगर स्मॉल ए सिंबल होता है तो स्मॉल ए लिखना है. उसके बाद अगर दो लैंग्वेजेस है उसमें अगर आपको कॉन्कैटिनेशन करना है, प्लस करना है, यूनियन करना है, स्टार करना है, तो उसके रिलेटेड हम छोटे छोटे एग्जाम्पल आगे देखेंगे. ओके, तो दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन. ओके, देन इट इज अ सेट ऑफ अ पैटर्न मैचिंग द रूल्स एनकोडिंग इन अ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द सर्टन सिंटैक्स रूल, लाइक द क्वेश्चन मार्क, स्टार, प्लस, वो सारे सिंबल्स हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करने वाले. तो सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है. सो लैंग्वेज मतलब वही कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, लाइक वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीरोज एंड वंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, उस हिसाब से हम लैंग्वेज लिखते हैं कि उसके पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या क्या आएगी. ओके, सो दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन. देन व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज द रेगुलर लैंग्वेज. रेगुलर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा विच इज कॉल्ड एज अ रेगुलर लैंग्वेज. कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट की जाती है उसको रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं. सेम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, द लैंग्वेजेस बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा आर डिस्क्राइब्ड और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. वो रेगुलर लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होनी चाहिए तभी हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे. एंड रेगुलर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ अ वैलिड स्ट्रिंग इज प्रेजेंटिंग इन अ रेगुलर लैंग्वेज इज नोन एज अ रेगुलर सेट. तो इस वीडियो में हम पहले बेसिक बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि लैंग्वेजेस को एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि आपको थोड़ी आइडिया मिल जाए. तो सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन टू रेगुलर लैंग्वेज कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसके हम बेसिक बेसिक एग्जांपल देखेंगे. तो सबसे पहले मैं कैनवास में जाता हूँ, ठीक है. तो कैनवास में हम थोड़ा एज्यूम करेंगे कि मेरे पास दो लैंग्वेजेस हैं. लेट लेट L1 के अंदर मेरा A है एंड L2 के अंदर मेरा B है. ओके, तो मेरे पास दो लैंग्वेजेस है, उसके अंदर एक एक ही सिंबल है. अगर मैंने L1.L2 किया तो डॉट का मतलब क्या होता है कि दोनों सिंबल को कंबाइन करके उसका एक ही सिंबल बनाओ, दैट इज द AB. डॉट मतलब दोनों को कंबाइन करो, इनडायरेक्टली कॉन्कैटिनेशन होता है. ओके, देन L1 प्लस L2 का मतलब क्या होता है, तो ये डॉट प्लस ये रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंबल्स है. तो प्लस में दोनों लैंग्वेजेस के सिंबल्स आते हैं, ए कॉमा बी, तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, दोनों सिंबल आएंगे. उसके बाद स्टार का मतलब क्या होता है, आई थिंक ये ऑलरेडी हमें मालूम है कि स्टार का मतलब क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज में देखा था. तो स्टार इज द इट इज अ क्लीन क्लोजर, लाइट राइट. सो एप्सिलॉन एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ लैंग्वेज ए सिंबल, तो लैंग्वेज वन के अंदर ए है तो ए के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स, सो सिंगल ए, डबल ए, ओके, ट्रिपल ए, 4, 5, 6, 7, ऐसे सारे पॉसिबिलिटी स्ट्रिंग्स आ जाएंगे. देन उसमें प्लस क्या होता है, उसको पॉजिटिव क्लोजर बोलते हैं, ऊपर प्लस लिखा है मैंने, उसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा, बाकी सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स. सेम L2 का भी. ओके, तो ये डॉट प्लस स्टार, इसके आपको मीनिंग अभी मालूम हो गए.
वैसे अगर मैंने ऐसा किया कि एल वन प्लस एल टू और इस ब्रैकेट का मैंने स्टार किया, तो इसका मतलब क्या होता है, एल वन प्लस एल टू का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी और ए कॉमा बी का आपको करना है क्लीन क्लोजर। तो उसका क्लीन क्लोजर कैसे आएगा कि ऑल द पॉसिबिलिटी स्ट्रिंग्स हैविंग द सिंबल ए एंड बी, तो सबसे पहले एप्सिलॉन आएगा, देन ए आएगा, बी आएगा, तो दोनों भी आएंगे। अभी ए और बी को कॉम्बिनेशन करके स्ट्रिंग बनानी है, तो अभी ए को ए के साथ बनाएंगे हम, ए को बी के साथ बनाएंगे, देन बी को ए के साथ और बी को बी के साथ, तो ए और बी के दो दो विड्थ में चार स्ट्रिंग्स बन गया, अभी तीन तीन के विड्थ में, तो तीन ए आएंगे। ओके, वैसे आप एक एक करके भी पुट कर सकते हो, तीन बी भी आ सकते हैं, देन ए बी ए, देन बी ए ए, ए ए बी, वैसे आप ये भी करो बी ए बी, ओके ए बी बी, बी बी ए, तो ऐसे देन चार के, पांच के, छह के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स। वैसे प्लस करोगे तो सेम आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नहीं आएगा। ओके, तो ये जो है डॉट प्लस स्टार प्लस, ये जो है ये वो रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको इस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बता दिया कि कैसे कैसे होते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम थोड़े आगे के थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पीपीटी में हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले। अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो मतलब ये जो लिखा है इसकी लैंग्वेज क्या होगी, राइट। तो जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। और एक एक को सॉर्ट थोड़ा समझ लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, तो ये जो एग्जांपल है मैं यहां पे लिखता हूं कि R इक्वल टू, R मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, 1 प्लस 1 0 स्टार। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है RE टू RL। मतलब RE टू RL का मतलब क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन को रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, लैंग्वेज में। ओके, सो टू फाइंड आउट द लैंग्वेज फॉर गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, फर्स्ट वी विल ट्राई टू जनरेट ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स। इसके कितने कितने स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम बताया था प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है कि कॉमा, राइट, मतलब 1, 10। तो 1, 10 का क्लीन क्लोजर, तो 1, 10 के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। आप यहाँ पे रफ में भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम थोड़ा रफ का काम कर रहे हैं कि 1 प्लस 10 इसका मतलब होता है 1, 10, ये सेट बन गया। और इसका आपको करना है स्टार, तो इसका क्लीन क्लोजर करना है, तो सिंपल है। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग क्या आएगी, एप्सिलॉन 1, 10, देन कॉम्बिनेशन करेंगे, पहले 1 को 1 के साथ डबल 1 आएगा, 10 को 10 के साथ 1010 आएगा। अभी दोनों को मिक्स करते हैं 110, अभी पहले 10 लेंगे उसके बाद 1 लेंगे। ओके, अभी तो 3 टाइम 1 को 3 टाइम 10 10 10, ये भी 3 टाइम, अभी 1 10 10, उसके बाद 10 1 लिया 10, उसके बाद पहले दो 10 लास्ट में 1। ओके, अभी यहाँ पे 10 मैंने दो बार लिया था, अभी 1 दो बार लेंगे, डबल 1 10। ओके, देन 1 10 1, देन 1 1 10, तो ऐसे हमारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। पहले आप उसकी उसका एक एल बनाओ, लैंग्वेज बनाओ। तो अगर ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन टू रेगुलर लैंग्वेज की स्ट्रिंग, अभी यहां से अगर आपको पता चलता है कि ये सारे स्ट्रिंग्स को देख के अगर मुझे कुछ ऐसा पता चलता है तो ठीक है, अदरवाइज यही आपका आंसर हो गया, एक्सप्रेशन को मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ओके, यहां पे आप देख सकते हो सारे स्ट्रिंग्स
थोड़ा ऑब्जर्व करो, सारे स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ वन है, एक से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कहां पे भी दो जीरो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आए, मतलब सलग नहीं आए, राइट। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि नो कॉन्जिक्यूटिव जीरो, तो ये वर्डिंग में हो गया। तो अभी हमारा आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि वर्डिंग में, मैं अभी से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, क्या लिखना है, व्हाट इज द आंसर। सो द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग ओवर 0,1 सच दैट इफ इट इज नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग देन इट मस्ट बिगिन विथ 1 एंड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव जीरोस। उसमें दो जीरोस नहीं है, और ये स्ट्रिंग अगर एम्प्टी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी नहीं है तो वन से स्टार्ट होगी और उसमें कोई कंसेक्यूटिव जीरो नहीं आएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो अभी हम दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड है ये, अभी आई थिंक आपको आएगा, सेम है ऊपर के जैसा ही, ए प्लस बी स्टार। सो ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी स्टार का मतलब लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी, एंड ए कॉमा बी का क्लीन क्लोजर करना है आपको। तो ए कॉमा बी का क्लीन क्लोजर क्या आएगा, एप्सिलॉन ए बी, देन उसका कॉम्बिनेशन करो, ए ए बी बी ए बी बी ए, देन तीन तीन का लगाओ, चार चार का लगाओ। अभी यहाँ पे कोई भी कहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है और कैसे भी कॉम्बिनेशन है, तो आप इसमें वर्डिंग में लिख सकते हो कि ऑल द पॉसिबिलिटी स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी सच दैट इट मस्ट कंटेन, सॉरी इट मस्ट कंटेन नहीं बोल सकते हम इसको, ये बोल सकते हैं कि हैविंग ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए कॉमा बी, दैट्स इट, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए कॉमा बी। इसमें कोई ऐसा स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी नहीं है, सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा कैनवास में लिख लेता हूँ, थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं एक नया शीट ओपन करता हूँ। हाँ, तो क्या है हमारा कि R इक्वल टू ए प्लस बी स्टार, ए अगेन ए प्लस बी स्टार, अगेन ए, अगेन ए प्लस बी स्टार। ओके, तो थोड़ा इतना बड़ी अगर एक्सप्रेशन आया तो थोड़ा केयरफुली देख लो, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है नहीं। सबसे पहले ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी स्टार का मतलब होता है कि ए कॉमा बी उसका क्लीन क्लोजर, तो उसका क्लीन क्लोजर आएगा एप्सिलॉन एंड सारे पॉसिबिलिटी ए और बी के, फिर कुछ भी आ सकता है ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन। ओके, सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके एंड करता हूँ। तो ए और बी मतलब ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रिंग ए एंड बी, उसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो ऐसा सोचो कि इसमें R इक्वल टू, इसमें अगर एप्सिलॉन आ गया, इधर एप्सिलॉन, इधर भी एप्सिलॉन आ गया और इधर भी एप्सिलॉन आ गया, तो ये स्ट्रिंग क्या बनेगी, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन ए, इसका मतलब ए ए। तो ये पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन की आपकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए ए, राइट, बीच में ए ए ना, इसमें आप एप्सिलॉन डालोगे तो ए एटलीस्ट मिलेगी। अभी पहले में आप कुछ भी डालो, ए डालो, बी डालो, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन डालो, पहले में इसमें बोल रहा हूँ मैं, इसमें इसमें आप कुछ भी डालो, फॉर एग्जांपल मैंने बी डाल दिया, उसके बाद तो कंपलसरी ए आने वाला है, तो ए आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैंने बी भी डाल दिया, उसके बाद तो ए आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैंने अभी ए भी डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि पहले ए प्लस बी स्टार में कुछ भी स्ट्रिंग आएगी, दूसरे ए प्लस बी स्टार में कुछ भी स्ट्रिंग आएगी, और तीसरे ए प्लस बी स्टार में कुछ भी स्ट्रिंग्स आएगी। इसका मतलब बीच में जो ए ए है ना, वो आने ही वाले हैं। तो सिंपल अभी आपको ये आंसर मिल गया कि
आप कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ, दो ए तो आने ही वाले हैं। तो वर्डिंग में हम कैसे लिखेंगे कि लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी विथ एटलीस्ट टू ए, कम से कम दो ए चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कॉन्जिक्यूटिव, क्यों कॉन्जिक्यूटिव अलग होता है, यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव होंगे ऐसे कोई चांसेस नहीं, बीच में कोई भी कुछ भी सिंबल आ सकता है। तो दो ए एटलीस्ट चाहिए, दो से ज्यादा भी चलेगा, और बी का कुछ है नहीं, बी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो ए तो हमें कंपल्सरी है। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो सिमिलर एग्जाम्पल ऐसा और एक कर सकते हो आप, लाइक बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। अब इसका इसका क्या हो गया, फिर भी यहाँ पे आपको दो ए तो कंपलसरी मिलेंगे, यानी यहाँ पे जीरो और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ बी, जीरो और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड जीरो और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ बी। बी कितने भी आ सकते हैं, जीरो और मोर टाइम, जीरो और मोर टाइम, जीरो और मोर टाइम, बट दो ए तो बीच में आ ही रहे, तो इसका भी वही आंसर हो गया, वही आंसर हो गया। अभी यहाँ पे देखो वही आंसर, थोड़ा चेंज है आंसर कि इसमें सिर्फ बी स्टार है। ओके, अभी मैं इसका है ना एल लिखता हूँ इधर ऊपर का, कि अगर तीनों में एप्सिलॉन आया तो दो ए आएंगे, और यहाँ एक एक बी आया तो बी ए बी आएगा, देन ज्यादा भी बी हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो दो ए तो आपके आने ही वाले हैं, बट तीसरा ए कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप जो स्टार कर रहे हो वो बी का कर रहे हो। तो यहाँ पे वही वर्डिंग का आंसर हो गया, सिर्फ ये हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली टू ए, उसमें दो ही ए है ओवर ए कॉमा बी। तो ओवर ए कॉमा बी मतलब ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन, बट उसमें दो ही ए आने वाले हैं। ओके, तो ये उसका आंसर हो गया फोर का। देन फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ में हम क्या करने वाले, आर इक्वल टू जीरो प्लस वन स्टार जीरो, तो उसको हम लिखते हैं एक नए कैनवास में, क्या है आर में, जीरो प्लस वन स्टार जीरो। अभी जीरो जो है ना वो एंड में हमेशा रहेगा, और जीरो प्लस वन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो जीरो प्लस वन में अगर मैंने एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन और जीरो, तो जीरो आएगा। ओके, और यहाँ पे जीरो कॉमा वन का स्टार है, तो यहां से कुछ भी आएगा, जीरो और वन का, मैंने जीरो लिया उसके बाद जीरो आएगा, मैंने पहले में से वन लिया उसके बाद जीरो आएगा, पहले में मैंने अगर डबल वन लिया उसके बाद जीरो आएगा, पहले में मैंने जीरो वन लिया उसके बाद जीरो आएगा, मैंने पहले में ट्रिपल वन लिया उसके बाद जीरो आएगा, पहले में मैंने डबल जीरो लिया उसके बाद जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ उसके बाद कंपलसरी एक जीरो आने ही वाला है। तो उसके बाद हम वर्डिंग में क्या लिख सकते हैं कि ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग जीरो कॉमा वन विच हैविंग स्ट्रिंग्स एंडिंग विद जीरो, जीरो से एंड होगी, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऊपर वाला जिसके हमने एल बनाया और उसको हमने वर्डिंग में आंसर भी बनाया। ओके, तो लास्ट वाला देखो, ये वन प्लस जीरो वन स्टार, जीरो प्लस जीरो वन स्टार, ठीक है, यहां पे लिखता हूं वन प्लस जीरो वन स्टार एंड जीरो प्लस जीरो वन स्टार। तो वन प्लस जीरो वन स्टार हमने पहले आई थिंक ये देखा था कि वन और जीरो वन का कॉम्बिनेशन, तो वन और जीरो वन के कॉम्बिनेशन में हमने आई थिंक पहले लिखा था, पहला एग्जांपल हमने ये किया है, देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल वही है, वन प्लस सिर्फ जीरो वन के जगह पे वन जीरो है, पर अभी आप ये कर सकते हो। तो अगर आपने इसकी एल बनाया ना तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी कैन फाइंड दैट ऑल द स्ट्रिंग्स कंसिस्ट ऑफ जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ जीरो एंड वन इन विच कॉन्जिक्यूटिव जीरो, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं आएगा, मतलब सलग जीरो नहीं आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव जीरो कैनॉट ऑकर। आप इसका एल बना के देखो, सेम इसका एल बनाओ, इसमें कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं मिलेंगे, इसका जो अपोजिट है ये वन और ये जीरो प्लस जीरो वन है, तो जीरो जीरो आ सकते हैं बट
01 01 01 आएगा तो कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं आएगा, कॉन्जिक्यूटिव वन कैन नॉट ऑकर। ओके तो अभी हम वर्डिंग में ऐसे बोल सकते हैं, अभी ये दोनों है ना, तो यहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब होता है कि ये होने के बाद ये आएगा, तो आप इस वर्डिंग में से भी यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉलोड बाय, मतलब देखो वी विल गेट अ स्ट्रिंग ऑफ जीरो एंड वन हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड द वन विथ कॉन्जिक्यूटिव जीरो पहले में कॉन्जिक्यूटिव जीरो कैनॉट ऑकर और दूसरे में कॉन्जिक्यूटिव वन कैनॉट ऑकर, राइट। सो ऑल द स्ट्रिंग्स पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो एंड द वन हैविंग कॉन्जिक्यूटिव जीरो कैनॉट ऑकर फॉलोड बाय कॉन्जिक्यूटिव वन कैनॉट ऑकर, दिस इज द वर्डिंग। फॉलोड बाय का मतलब वही होता है कि ये होने के बाद ये, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं चाहिए। ओके तो फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव वन कैनॉट ऑकर, तो उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं आएंगे, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वन हो सकते हैं, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं आएंगे। ओके तो अभी अगर ऐसी स्ट्रिंग बन रही है, अब आप ऐसे भी वर्डिंग में कर सकते हो। ओके और दूसरे वर्डिंग में आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव जीरो फॉलोड बाय द कॉन्जिक्यूटिव वन, पहले में क्या है कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं चाहिए और दूसरे में क्या है कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं चाहिए, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो बाद में आ सकते हैं और कॉन्जिक्यूटिव वन स्टार्टिंग में आ सकते हैं, तो आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव वन फॉलोड बाय कॉन्जिक्यूटिव जीरो, ऐसे भी कर सकते हो। तो वर्डिंग में आप ऐसे लिखना, और अगर आपने वर्डिंग में नहीं लिखा और इस एल को और इस एल को एक्सपांड करके अगर आपने कॉम्बिनेशन एल बनाया तो भी ओके है, नो प्रॉब्लम। तो ये छह एग्जांपल हमने देखे रेगुलर एक्सप्रेशन टू रेगुलर लैंग्वेज का कन्वर्जन। ओके अभी हम उल्टा देख लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करना। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जीरो वन स्टार्टिंग विथ जीरो, तो जीरो से स्टार्ट करना है हमें, तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए आई थिंक आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैसे करना है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए अभी हम उल्टा करेंगे ना, तो मैं नया शीट ओपन करता हूं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो वन स्टार्टिंग विथ जीरो, स्टार्टिंग विथ जीरो, तो स्टार्टिंग विथ जीरो के लिए पहले हम एल बनाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विथ जीरो, तो जीरो देन जीरो 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 वन जीरो 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 डबल वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन लाइक ऐसे, हमेशा जीरो स्टार्टिंग में आएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, जीरो उसके बाद जीरो और वन का कॉम्बिनेशन, कितना भी जीरो और वन आने दे, स्टार्टिंग में जीरो कंपलसरी चाहिए, तो ये हो गया उसका आंसर। सिंपल है, सिर्फ आपको इन्हें ठीक तरह से वो समझ में आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करना है। ओके नेक्स्ट, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ओवर, तो ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ऐसे बोला है, ठीक है, तो सारे स्ट्रिंग्स ए और बी के ऑल स्ट्रिंग्स, तो वो कैसे आएंगे अभी, ठीक है, तो वो देखो कैसे आएंगे, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड द बीज, इसका मतलब है ए और बी के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स, तो ए और बी के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स मतलब सिंपल ए और बी का क्लीन क्लोजर, ए और बी के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स ए प्लस बी स्टार, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं है ना कि ए से स्टार्ट होना चाहिए बी से होना चाहिए, तो ए और बी के ऑल स्ट्रिंग्स, देन ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो वन नॉट हैविंग कॉन्जिक्यूटिव जीरो, उसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं चाहिए,
मतलब जीरो के बाद जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जीरो के बाद अगर जीरो नहीं चाहिए तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वन प्लस जीरो वन का स्टार, अगर आप ये करोगे तो भी चलेगा, और इसका आप ये भी कर सकते हो कि वन प्लस वन जीरो का स्टार, वन जीरो करो या जीरो वन करो, जीरो तो रिपीट नहीं होगा, तो इसका एल कैसे बनेगा, देखो वन आएगा नहीं तो जीरो वन आएगा, राइट। एप्सिलॉन भी यहाँ पे आप कर सकते हो, देन कॉम्बिनेशन करो वन जीरो वन जीरो वन वन, देन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, तो इसमें जीरो के बाद जीरो नहीं आ रहा है, वन के बाद वन आने दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि नॉट हैविंग कॉन्जिक्यूटिव जीरो, तो उसका इस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ओके। देन एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूज, कितने भी जीरो उसके बाद कितने भी वन उसके बाद कितने भी टू, स्टेप बाय स्टेप दिया है ना, फॉलोड बाय किया है, तो कितने भी जीरोस उसके बाद कितने भी वंस उसके बाद कितने भी टू, एनी नंबर में जीरो और मोर नंबर्स, तो वन स्टार जीरो स्टार वन स्टार टू स्टार, तो ऐसे सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, सिंपल है। उसके बाद ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी एटलीस्ट टू ए, कम से कम दो ए चाहिए, कम से कम दो ए, दो से ज्यादा भी चलेंगे, ओके। आई थिंक ये एग्जाम्पल हमने पहले देखा है उल्टे केस में, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज बनाई थी एटलीस्ट टू ए वाली, तो वही अभी उल्टा क्वेश्चन आया है कि एटलीस्ट टू ए कैसे बनाए, तो एटलीस्ट टू ए में आपको दो ए तो चाहिए, दो ए तो चाहिए, बट उसमें ऐसा नहीं दिया है कि वो कॉन्जिक्यूटिव चाहिए कैसे जाए, कहाँ से कैसे भी बना सकते हो, बट उसमें ए ज़्यादा भी हो सकते हैं और बी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए कॉमा बी, तो बी भी हो सकता है, तो ए प्लस बी स्टार इधर भी हो सकता है और ए प्लस बी स्टार इधर भी हो सकता है, तो इसमें कितने भी ए बी आए कितने भी ए बी आए कितने भी आए, दो ए तो कम से कम रहने वाले हैं, सो एटलीस्ट टू ए यहाँ पे सॉल्व हो गया इस तरीके से। सेम एग्जैक्टली टू ए, दो ही ए चाहिए उसके बाद ज्यादा ए नहीं चाहिए, दो ही ए, और यहाँ पे दिया है कि ओवर ए कॉमा बी, तो बी कितने भी हो सकते हैं, तो बी यहाँ पे आप कितने भी बी लगाओ, तो इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। देन ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी इन ईच स्ट्रिंग द सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज ए, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ये हमेशा ए चाहिए, सेकेंड लास्ट मतलब लास्ट में कुछ भी रहने दो, ये लास्ट है ठीक है, ए बी है ना, लास्ट में कुछ भी रहने दो, उसके पहले हमेशा ए चाहिए सेकेंड लास्ट, और स्टार्टिंग में भी कुछ भी रहने दो, ओके। आई थिंक सॉरी यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, सॉरी स्टार नहीं आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए और बी में से कोई भी एक, कोई भी एक, अगर ए आया तो सेकेंड लास्ट में ए ए ए आएगा, तो ये लास्ट उसके पहले ए, और बी आया तो बी ए उसमें भी सेकेंड लास्ट ए आ रहा है, स्टार क्यों निकला, स्टार डाला तो यहाँ पे तीन चार पांच छह भी हो सकते हैं ना, बी 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 बी, तो उसमें सेकेंड लास्ट तो ए नहीं होगा, तो ये स्टार यहाँ पे मत डालो, ए प्लस बी, ए और बी में से एक उसके पहले ए, देन उसके पहले कितना भी ए बी आप कॉम्बिनेशन लगाओ, ये सेकेंड लास्ट का ये एग्जांपल हो गया, ओके। देन ये लास्ट वाला ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए सच दैट ईच स्ट्रिंग इज इवन लेंथ, अभी सिर्फ एक ही दिया है ए, तो इवन लेंथ मतलब दो चार छ आठ, तो दो ए का स्टार, तो लैंग्वेज कैसे बनेगी, एप्सिलॉन डबल ए, अभी ए ए को रिपीट करना है, तो दो बार रिपीट होगा तो चार होगा, तीन बार रिपीट होगा तो छ होगा, छ आठ दस, तो इवन नंबर ऑफ लेंथ हो गया, तो ये ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन,
तो इस तरीके से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन टू रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिक बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे। ये एग्जाम्पल बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन में एक एक दो दो मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके कि अगर आपको मतलब ये समझ में आया तो बेस्ट है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा कन्वर्जन देखेंगे। कंस्ट्रक्ट द एनएफए फॉर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमें कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको हम यूज करके उसको एनएफए में कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके ओके सो वील सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।